एक व्यापारी था, उसके घर 7 ब्राह्मण पधारे, संत पधारे। बड़ा खुश हुआ, बोला आज मेरे घर में संत पधारे, इनको जिमा के भेजूंगा। नौकर से कहा इनके लिए खीर पूड़ी बनवा लो, बनवा दो, इनको जिमा के भेजेंगे। रसोइये से कहा खीर पूड़ी बनाओ। रसोइये ने नौकर को बाल्टी देकर कहा कि जाके दूध लेकर आओ। नौकर बाल्टी लेके दूध लाने के लिए गया। जब दूध लेके लौट रहा था तो रास्ते में उसे थोड़ी थकावट और नींद सी महसूस होने लगी। वो छांव देखकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया सुस्ताने के लिए, कि घर जाऊंगा तो काम करना पड़ेगा, यहाँ सुस्ता के घर जाता हूँ। सुस्ताने बैठा, थका हुआ था, नींद लग गई। उसी पेड़ के ऊपर एक चील अपने मुंह में सांप दबाकर आई थी, जिसे चोंच मार मार कर खा रही थी। सांप के मुंह में विष था, वो विष सीधे बाल्टी में गिरा। थोड़ी देर बाद में नौकर की आंख खुली, उसने बाल्टी उठाई, घर ले गया। रसोइये ने खीर बना, जब खीर परोसी गई तो 7 में से 4 ब्राह्मणों की उसी दम मृत्यु हो गई और 3 अस्वस्थ हो गए। जब 4 ब्राह्मणों की, संतों की मृत्यु हुई, ऊपर हलचल मच गई। यमराज दुधा में पड़ गए कि अचानक इनकी मृत्यु हुई है, इसे किस खाते में डालूं? व्यापारी के खाते में, उसकी वजह से हुई है, पर उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसका तो भाव अच्छा था कि मेरे घर संत पधारे, मुझे जमा के भेजाना है। रसोई के खाते में डालूं क्या? रसोई की भी गलती नहीं है, उसे क्या पता इसमें जहर था। नौकर को पता नहीं था। वो चील तो अपना भोजन खा रही थी। वो सांप तो बेचारा खुद मृत्यु के मुख में था, किसके खाते में डालूं? जब समझ नहीं पाए यमराज के 4 संतों के मृत्यु हुए किसके खाते में डालूं, तो भागे भागे भगवान के पास पहुंचे हैं। बोला क्या करूं, दुविधा में हूं, किसके खाते में डालूं? बोला कुछ नहीं, जो व्यक्ति किसी की व्यर्थ निंदा करता है उसके खाते में डाल दो। शास्त्रों की कथा है, ये मजाक नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कितना क्यों भोग रहे हैं, ऐसा तो कुछ कर्म हमने किए नहीं है। अब उत्तर मिल जाएगा क्या किया था। एक और राजा यदु की भी कथा आती है निंदा के संदर्भ में, शास्त्रों में आती है कि राजा यदु एक दिन सुबह सुबह अस्तबल में, घोड़ों के अस्तबल में गए। सुबह का समय था, घोड़ों को पुचकार रहे थे। इतने में एक संत भिक्षा मांगने निकले, वही अस्तबल में राजा के सामने दोना कर दिया अपना। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि सुबह सुबह भिक्षा मांगने आ गए। घोड़े की लीद उठाई, भिक्षा पात्र में डाल दी। वो संत, ये शास्त्रों की कथा है, व्हाट्सएप की कथा नहीं है, वो संत चूंकि संत थे चुपचाप चले गए। थोड़ा समय बीता होगा कि एक दिन राजा यदु घूम रहे थे सुबह सुबह, उन्हें घने जंगलों में एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर घोड़े के लीद ऐसे पहाड़ बनी हुई है। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आसपास एक भी घोड़ा नहीं है, एक भी घोड़ा नहीं है, नास्तबल तो इतनी लीद कहां से आई? वो भीतर गए, कुटिया में संत बैठे हुए थे। संत से पूछा कि आसपास एक भी घोड़ा नहीं है, ये लीद कहां से आई? बोला ऐसा है राजन कि एक दिन मैं भिक्षा मांगने गया था, आपने मुझे भिक्षा में ये लीद दी थी, है ना, जो आप देते वही आपको खाना भी पड़ता है, ये आपको खानी पड़ेगी। वह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांप गए, बोले मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं नहीं खा सकता। उस संत थे, बोले माफ तो कर दूंगा मैं, पर कर्म तुमने किया, इसको हटाना भी तो होगा। उपाय बताया कि तुम एक काम करो, तुम गलत नहीं हो, पर तुम्हें दुनिया को दिखाना है कि तुम गलत हो। जब तुम गलत नजर आओगे, दुनिया निंदा करेगी, ये लीद अपने आप कम होती चली जाएगी। राजा वहां से निकला, दारू की बोतल दी, शराब की बोतल, चौराहे पर बैठकर एक्टिंग करने लगा पीने की। पी नहीं रहा था, एक्शन कर रहा था। लोगों ने देखा राजाओं की हरकत कर रहा है, सर्वत्र चर्चा होने लगी, सर्वत्र। हफ्ते भर बाद वहां पर गया, पूरी लीद गायब थी।
किसके खाते में गई? निंदा करें। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। हमारे NRSP की तो आदत हो गई, जरा सा तन अस्वस्थ होता है, कोई चीज की प्रतिकूलता आती है तो अपने आप को तोलते हैं कि हमसे किसी की निंदा तो नहीं हुई, तुरंत तोलना शुरू करते हैं। अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है।